नमस्कार, सिरमौर न्यूज लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज इवनिंग बुलेटिन में खास खबरों पर। जिला सिरमौर की क्या खास खबरें आज रही है, उन तमाम खबरों की अभी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। जो सबसे पहली खबर है वो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी खबर है और ये खबर है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की ऑनलाइन राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पत्रकारों की लंबे समय से जो लंबित मांगे पड़ी हुई थी उन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पत्रकारों पर जो फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं उन पर भी कड़ा रोष जताया गया है। ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के जंतर मंतर से राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने की। ऑनलाइन बैठक में पूरे हिंदुस्तान में मीडिया को आ रही विभिन्न कठिनाइयों तथा समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। ऑनलाइन बैठक में हिमाचल की ओर से सोलन, शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, शिमला से जो है पत्रकार जुड़े हुए थे। इसके बाद दूसरी खबर की बात करते हैं जो जिला सिरमौर से जुड़ी हुई खबर है। जिला सिरमौर जो है वहाँ पर अब लोगों को कोरोना सैंपल की जो रिपोर्ट है उसका लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मात्र 20 मिनट के अंदर ही आपको कोरोना सैंपल की जो जांच रिपोर्ट है वो उपलब्ध हो जाएगी। जिला मुख्यालय नाहन में स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू की है। खास बात यह है कि 20 मिनट के भीतर ही यहाँ पर कोरोना सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और जिन्होंने अपना सैंपल जाँच के लिए भेजा है उन्हें ये रिपोर्ट मात्र 20 मिनट में ही उपलब्ध हो जाएगी। और ये स्वास्थ्य विभाग ने शहर के समीप जांच के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया है और ये केंद्र नाहन में स्थापित किया गया है। पहले ही दिन आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाए और स्वेच्छा से ही लोग यहाँ पर बड़ी संख्या पर कोरोना वायरस की जाँच करवाने पहुंचे हुए थे और ये जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में ये सेंटर फिलहाल स्थापित किया गया है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना महामारी के बीच लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिरमौर जिला प्रशासन केरल और गुजरात की तर्ज पर लोगों को घर बैठे दवा पहुंचाएगा। नाहन में मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के प्रुथी ने बताया कि केरल और गुजरात की तरह सिरमौर जिला में भी हर व्यक्ति को आर्सेनिकम एल्बम 30 दवा दी जाएगी जो कि होम्योपैथिक दवाई है जिसका मुख्य मकसद जो है लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि केरल और गुजरात में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जिला सिरमौर में भी फिलहाल नाहन और पौंटा साहिब में ये दवा जो है मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आयुष विभाग के सहयोग से लोगों तक यह दवा पहुँचाई जाएगी ताकि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। जी हाँ, अब कोरोना संक्रमण जो है उससे बचने के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है और लोगों तक ये जो दवा है ये मुफ्त में पहुंचाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। अगली जो खबर है वो उन नौजवानों के लिए है जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल के माध्यम से जिला के स्नातक युवा जो है वो हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कलाम में कैरियर काउंसलर के रूप में नियुक्ति होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है कैरियर काउंसलर के लगभग 15 पद भरे जाने हैं। इन 15 पदों के लिए जो युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं वो आवेदन कर सकते हैं और किसी भी तरह की यदि इससे संबंधित आप लोगों को जानकारी चाहिए तो वो भी फोन पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और जो फोन नंबर है वो है 9671300918। एक बार फिर से आपको बताते हैं, आप इस नंबर को लिख सकते हैं यदि आपको जॉब की आवश्यकता है और करियर काउंसलर के जो लगभग 15 पद अभी भरे जाने हैं। नंबर है 9671300918। यहाँ से फोन पर भी आप संबंधित जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं।
एक बार पुनः आपको ये नंबर नोट करवाना चाहेंगे, 9671300918। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अंत में नजर डालते हैं आज कोरोना अपडेट्स की कि जिला सिरमौर में कोरोना की क्या स्थिति रही है और कितने नए मामले आ जाए हुए, कितने लोग ठीक हुए हैं। कोरोना अपडेट्स की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिला सिरमौर में आज कोरोना के जो है 24 नए मामले सामने आए हैं। आज 2 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। और सिरमौर में कोरोना के अब भी कुल 1147 मामले हैं और जो एक्टिव केस है, एक्टिव केसेस की जो संख्या है 281 है फिलहाल। और आज 216 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 24 जो लोग हैं उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जबकि 95 लोगों की जो जांच रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और इसमें से 97 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यह था सिरमौर न्यूज़ का लाइव इवनिंग बुलेटिन, जिसमें हमने आपको जिला सिरमौर की जो खास खबरें थी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसी तरीके से रोजाना आपसे इसी समय मिलते रहेंगे और जिला सिरमौर की जो भी खास खबरें होगी उन खबरों से आपको रूबरू करवाना हमारा काम रहेगा। और यदि अभी तक आपने सिरमौर न्यूज़ के जो हमारा फेसबुक पेज है उसे लाइक नहीं किया तो कृपया उसे लाइक करें और उसे फॉलो भी जरूर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल सिरमौर न्यूज़ के नाम से है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।